और इस बीच बीजेपी पर शिवपाल यादव का बड़ा आरोप सामने आया। बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप शिवपाल यादव ने लगाया, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया उपचुनाव में वोटिंग जो है वो धीमी करा सकती है बीजेपी, ऐसा कहना है शिवपाल यादव का। ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी पर शिवपाल यादव ने लगाया उपचुनाव से जस्ट पहले, एक दिन पहले ये बड़ा आरोप शिवपाल यादव के द्वारा लगाया गया है। बीजेपी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप, कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है, उपचुनाव में वोटिंग धीमी करा सकती है बीजेपी। बेईमानी पर कराना चाहते हैं, पोलिंग को स्लो कराना चाह रहे हैं हम, जबकि देखिए हम चाहते हैं कि निष्पक्ष वोट पड़े, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, और ये उस वोट को रोकना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनका उत्पीड़न हो रहा है और इस तरीके से सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या, तो उसको तो हम लोगों को रोकना पड़ेगा। रामपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान सामने आया, वोट की ठेकेदारी करने वाले लोग निराश हैं। आज समाज के सभी वर्ग समाज की तरक्की में शामिल है, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान सामने आया। वोट की ठेकेदारी करने वाले लोग निराश हैं, समाज के सभी वर्ग समाज की तरक्की में शामिल है, बड़ा बयान मुख्तार अब्बास नकवी का। ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें, बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का यह बयान। अब्दुल के सांप्रदायिक वोटों की तिजारत नहीं बल्कि उसके समावेशी विकास की इबारत हमारा लक्ष्य भी है, संकल्प भी है। और कुछ लोग जो है वो चाहे अमर हो, अब्दुल हो, एंटोनी हो, और अबर अब्दुल, अब्दुल और एंटोनी के समावेशी विकास की हिस्सेदारी भागीदारी से जो लोग वोटों की ठेकेदारी कर रहे थे वो हताश और निराश हैं। यूपी में 3 सीटों पर कल उपचुनाव होने हैं, दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। हम आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि किस सीट पर किस प्रत्याशी के बीच ये कड़ा मुकाबला है। देखिए मैनपुरी सीट की बात की जाए तो रघुराज सिंह शाह और डिंपल यादव के बीच कड़ा मुकाबला, रामपुर में आकाश सक्सेना और आसिफ राजा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं। खतौली की बात की जाए तो राजकुमार सैनी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, मदन भाई आरएलडी से प्रत्याशी हैं। मैनपुरी से प्रत्याशी रघुराज सिंह शाह, डिंपल यादव समाजवादी पार्टी की तरफ से, आकाश सक्सेना बीजेपी की तरफ से और आसिफ राजा समाजवादी पार्टी की तरफ से। राजकुमारी सैनी और मदन भैया आरएलडी की तरफ से ये प्रत्याशी हैं। उपचुनाव से पहले कांटे का मुकाबला जो है देखने को मिलने वाला है, कल वोट डाले जाएंगे और 8 को जो है नतीजे आ जाएंगे किस प्रत्याशी पर जनता ने इन 3 सीटों पर भरोसा जताया है, वो 8 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा। मुजफ्फरनगर से बड़ी